नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि अब वह मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसके पीछे का क्या वजह है, आखिर उनको इस्तीफा किसने दिया है और उन्होंने मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ा, किसके दबाव में आकर छोड़ा, ये जानकारी जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। गुजरात में मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया है। उसके बाद राजनीतिक में बहुत ज़्यादा हलचल मच गई है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहली बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलने पहुंचे और अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। इसके बाद गुजरात में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बता दें कि रूपाणी ने विधानसभा चुनाव से 15 महीने पहले ये बड़ा फैसला लिया। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद विजय रूपाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल गांधीनगर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक रूपाणी के इस्तीफे के बाद कल विधायक दल की बैठक हो सकती है। मीडिया से कही गई बात। इस्तीफे के बाद रूपाणी ने मीडिया से बातचीत की। उन्हें कहा, मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, मैंने किसी के दबाव में आकर नहीं दिया, इसके पीछे कोई वजह नहीं है, मैंने अपने मन से इस्तीफा दिया है, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में पार्टी संगठन में काम करने की अपनी इच्छा के बारे में शीर्ष नेतृत्व को बता दिया है। भाजपा परीक्षक यहाँ गांधीनगर आए थे और पार्टी जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने पर फैसला करेगी। जानकारी के मुताबिक रूपाणी के इस्तीफे के बाद राज्य में नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। जब तक 4 नाम सीएम पद के लिए सामने हैं, इनमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, नितिन पटेल, सीआर पाटिल और पुरुषोत्तम रूपाला शामिल है। हालांकि इस संबंध में भाजपा से जुड़े सूत्रों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, अभी विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया है। इसके बाद आगे क्या होता है, ये जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देता कि हम आपको जानकारी पहुंचा सके। इसके बाद क्या होता है, ये जानकारी हम आपको पहुंचा देंगे वीडियो में। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद छोड़ने के दौरान, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।